अंदर तो म्यूजियम है और उधर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। चलो यहाँ पर तो नहीं है ना। कितना सुकून और सुनसान सी है ना। काश चेन्नई में थोड़ी ठंडक सी होती, मज़ा ही आ जाता घूमने में। ये गर्मी और चिपचिपाहट में याओ पक रहा हूँ मैं। ये कुछ पीछे हाथ करके कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पर चलो अजूबा है। और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक कपल किस कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी मासू का कि सर पे पैर रख के पप्पी दे रहा है। चलो कुछ तो कर रहा है। चला यहाँ पर कोई नहीं है और सिर्फ गर्मी मज़े लग रही है। वैसे यहाँ आसपास घर सारे रंगीन है ना, पता नहीं वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर डिज़ाइन अच्छा है। दो मोर है और बाकी बोलचा जो भी। साला तू डरा दिया अबे मुझे, इधर क्या कर रहा है। अच्छा ठीक है, सो जा, छाव भी है। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, माँ कसम मस्त लग रहा है। हाय मस्त लग रहा है। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन उठाए जा, रख हौसला कर फैसला। हाँ भाई, वो घर भी लगता है शायद पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि उसका डिज़ाइन भी ऐसा लग रहा है। मस्त है, गणेश जी है और क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा। और ये पेड़ तो मुझे पसंद ही आ गया, बस का कलर बचपन की याद आ गया एकदम। यार यहाँ पर रहने के लिए एक दिन का कितना होगा यार। काश इस टाइप का घर होता, एकदम मज़ा ही आ जाता ना। देखते हैं ऊपर क्या है, कुछ तो नहीं होगा पता है। वाह ये बालकोनी, इधर एक फैन लगा देंगे। ये बॉटल है क्या, तो इसके अंदर हम लाइट लगा सकते हैं। वाह मतलब ये आइडिया
आप सच में मस्त लगेगा, अनब्रेकेबल, जस्ट लुक मैन, सीरियसली दिस बिल्डिंग इज लुक्स चकास, दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज योर बालकोनी, दिस इज द मेन रोड, हो चलो सिर से यार, होप आई एम द ओनर एंड द पुशी मौशी. दैट्स इट, यही है, यही है, यही है ये जीवन भी. वो क्या है, गोल्डन ऑर्चर्ड्स, चोलामंडल कल्चरल सेंटर. तो यही है, यही है चोलामंडल.